चरण रज वे बहु सागर तै पार हुए। उनके खोदे उन्हें मिले जिन खोदे जग में पास हुए। उनके खोदे जिनको मिले रविदास चरण रज बहु सागर तै पार हुए। उनके खोदे उन्हें मिले जिन खोदे जग में पास हुए। उनके खोदे उन्हें मिले जिन खोदे जग में पास हुए। रविदास रैणी के दाता, रविदास रैणी के दाता थे वे बकचोदी नहीं करते थे, वे ढोंग नहीं करते थे। रवि बाबा रविदास ने कोई ढोंग नहीं रचाया। अरे जूती गांठ के अपना जीवन यापन कराया। कहती रविदास रहनी के दाता बैठे बीच बाजार में आए गए की पनिया गांठ है आखिर जात जमार। आए गए की पनिया भक्ति जिनकी चढ़ी शिखर पे वे करोड़ों में एक हुए। उनके खोदे उन्हें मिले जिन्हें खोदे पाप हुए। Oh,
पहली कड़ी में कितने अच्छे शब्द पिरोए। रविदास रैणी के दाता वो कहते नहीं थे, वो करते थे। रविदास रैणी के दाता बैठे बीच बाजारा में, आए गए की पनिया गाठे आखिर जात चमारा में। भक्ति जिनकी चढ़ी शिखर पे वो करोड़ों में एक हुए, ना तो बाणा को हम भी पहन ले, दाढ़ी हम भी बढ़ा ले, पैर हम भी सुजा ले, पर नहीं, इस काम को तो ब्राह्मण लोग किया करते थे। डॉक्टर साहब लांबा तिलक पाखंड ढोंग, एक ब्राह्मण आया और रविदास महाराज को कहने लगा, देखो महाराज जी गंगा नहान दुनिया जान लग रही, तू भी चल लेने। न्यू कह लगे भाई मन चंगा तो मेरी कठोती मई गंगा। ब्राह्मण के वह बात पची नहीं, इसमें कथा सुना रहे हैं, घना आनंद आओगा, ऐसी सुनी नहीं होगी। ये पंडित जी गुरु से बोला चलो चले गंगा नहाने, पर भी काये नहान पवित्र नावे सभियाने, पर भी काये नहान पवित्र नावे सभियाने। कोटि जन्म के पाप धुवे, जन्म के पाप धुए वा गंगा में नाले, जो गंगा का जल लिए उनके खुदे सुने, जिन्हें खुदे पाप उनको मिल रविदास चरण बंदा करता पार जी। रविदास जी पर भी का नान बड़ा पवित्र हो है, और जो गंगा का जल पीले है ना सारे पाप कट जाए। महाराज जी कह लगे भाई मेरा टाइम तो है नहीं, मैं तो क्रम प्रधान मानता हूं, पर जो इसी बात है तो तुम लोग ये मेरी कोटी ले जाओ। उन्हें चोगा नहीं बोले आकर, और गंगा जी जो हाथ फैला के तो ले तो दियो, ना तो मेरी वापसी लिया। हमने कथा में एक बाणी भी गा रखी, तुम चाले स्नान करण मेरी ले जाओ चोगानी रे, बुझा फैला के लेगी तो दियो गंगेश महारानी रे। और अड़कड़ी में भी कह दिया अरे तुम जाओ इस नाम करण मेरी ले जाओ चोगानी रे, बुझा फला कह ले दी तो दी गंगे जी महाराज, बुझा फला कह ले दी तो दी गंगे जी महाराज।
का तेरा दया की बाती प्रेम थाल में लाओ दिए उनके होते तुम्हें समय हुए जिनको मिल रविदास चरण रज बंसागर सज पार हुए उनको होते सोचा मारे तो बड़े बडेरे गंगा में ना नहा के मर गए आज तक तो गंगा जी मिली नहीं यो रविदास अड़े जूती काठे सूद्र जाति में पैदा हो रहा और यू नू कह है कि जो बुझा फला के लेगी तो दियो ना तो मेरी वापसी ले आई प्रेमियों गंगा जी पे जाके विप्र ने स्नान कर लिया और गंगा का आह्वान किया और आह्वान करने के बाद न्यू बोलिया हे गंगा मैया ये संत रैदास जी ने पूजा भेज दी है और कंडीशन लगा दी सोइए ना बेटा नाता नाता या मेरे हाथ में यह तड़की नहीं दूं प्रेम से बजा ना दो कैस भी पर गंगा का आह्वान किया रविदास की पूजा लो मां धारा लो सम्मान रविदास की पूजा लो मां धारा ही सम्मान गंगा जी नव पूजा ले गंगा जी नव पूजा ले पेट को कंगन भेट दिए अरे पूजा लेके के क्या हे पंडित जी ठहर जा उस दिव्य कंगन भेंट कर दिया कैसे बता तोड़ में गंगा जी नव पूजा लेके दिव्य कंगन भेंट दिए उनके होते जितना
न्यू समझ भी लियो कदम न्यू ही गहत पाड़ रहा हूं। जिनको मिली रविदास चरण रज वे बहुसागर ते पार हुए और उनके खोदे उन्हें मिले जिन्होंने खोदे पाप हुए। अरे वे पाप के कुए ब्राह्मणों ने खोदे थे उन्हें ही तो पढ़ना पड़ता और कैसे पढ़े आगे बताऊंगी। कपटी कपट नहीं जाके चाहे, अरे कपटी का कपट नहीं जाता, ये कपटी कपट नहीं जाके चाहे, गंगा में स्नान करे, सबके गट में ज्ञान होवे, चाहे वेद पुराण पढ़े, सबके गट में ज्ञान होवे, चाहे वेद पुराण पढ़े। को पंडित ने, अरे यो ही तो कपट था। माता गंगे ने कहा था, हे विप्र तू इसे छुपाइए ना, बाबा रविदास को जाके दे दिए और कह दिए कि गंगा ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली। वो दिव्य कंगन था, अरे दिव्य कंगन कैसा हो, वो चमक मारे करती अंधेरे में दम क्या करता, अनमोल कंगन था। बोले बोले वो अनमोल कंगन जब ब्राह्मण ने ले लिया तो मन में पाप आ गया, कपट आ गया। सुनने की बात है, उनने नू सोचा अरे रविदास को के देना, राजा को दे देंगे, वो तने माल धन दे देगा और के हुआ इस रास्ते से जावे थोड़े भी रविदास बैठा पावे। फिर सोचना अड़े बैठा होगा तो अड़े ते निकल ले, उड़े ते जा उड़े भी बाबा बैठा पावे। सारी गली गा दी पर कपटी का कपट नहीं गया, नीची नाड़ लगा के बाबा के आगे कोई लिकट गया और जाकर राजा ने दे दिया। और राजा ने केख रहा, अरे राजा के कंगन पे रहे, पूछा राजा के कंगन पे रहे, उन्हें जाके वो अपने घराली ते जा दिया। और घराली ते देते ने घराली ने कंगन देखने बड़ा बढ़िया कंगन है, पैर के राजमहल में नींगे तो नींगा गेड़ा लावे और दिखाती है ना, देख मेरा कंगन, मेरा सोहर ले आया, मेरा घराला ले आया, मेरा मालिक ले आया, मेरा पति ले आया, मेरा हस्बैंड ले आया। हस्बैंड नहीं था उस टाइम पे, यो हस्बैंड तो अड़े ही आया है। हस्बैंड जानो हो के हुआ जो बिना फूक मारू बजे वो बैंड, बिना फूक मारू जो बजे वो बैंड, वो हस्बैंड। घराली को किसी ने कुछ ना कहा हो और आके मुंह सच डाले, पति ने पूछे है क्यों, के बात है, किसी ने कुछ कहा है, के बीमारी है। अरवान्यू कह दो पड़ोसी नुरा उड़ लड़े मरे कट्टे, वो ही तो हस्बैंड हो। राजा ने जा दिया कंगन रानी थे, रानी फिर रहे बगड़ में बांधी न्यू कह बैठी नवीन, नको रानी साहिबा यू एक कह है या दूसरा भी है, वो कह लग जा एक कही है, कल फिर एक सही नहीं लगता दूसरा भी आवे तो बात। अब वह कर भी कह सकती, पहले कोप भवन हुआ करती जो धर्मशाला में है ना कड़े उड़ भवन उगाड़ा होगा, कोप भवन जब रानी को अपनी डिमांड पूरी करानी होती तो कोप भवन में चली जाती।
कोप भवन में जाकर राशन काटी ले ली। राजा आया और वो कहने लगा रानी तोड़े है नहीं, रानी कड़े देखो रानी तो कोप भवन में। कोप भवन में गया सतीश सतवीर नुके लगा बात भी हुई कुछ नुकने बात कुछ नहीं, दूसरा कंगन आवे तो जीऊ ना तो मरूंगी। काम जिड़ गया ना, कथा समझ में आ रही है ना। न्यूके लगी दूसरा कंगन आवे तो जीऊ ना तो मरूंगी। राजा कह लगा यू तो बिना मतलब का रंडवा होना पड़ गया। अरे ब्राह्मण को भेजा था नान ससुराल, एक कंगन लिया के ना दूसरा भी लिया था। समझाई बुझाई कह लेगा चिंता ना करे दूसरा भी मंगा दूंगा। वजीर को भेज के ब्राह्मण को बुलाया, नु कह लगे किरा बाड़ा थाम और गंगा पे तुरंत जा दुआर और ईसाई कंगन लेकर आइए ना तो जन बच्चा कोल्लू में पिड़ागा। फिक्र हो गया प्रेमियो, गया था इनाम लेन मौत गले में गल गई। कथा सुनते रहियो कंगन पैर करानी सखियों को दिखलाए रही दिव्य कंगन की जो जीवा राजमहल दमका दिव्य कंगन की जो जीवा राजमहल दूजे कंगन बिन रानी कंगन बिन रानी के ना सिंगार पूर्ण हुए उनके खोते जितने खोते पाप मिल रविदास चरण सौदागर से उनके खोते तुम
राजा को, या सुंदर काया फूंक दूंगी, मर जाऊंगी जो कंगन नहीं आया। आसन पट्टी लाई रानी ने को भवन तेरा लाया, दूजा कंगन जीव आ कंगन मिले तो जीवनी भूख मरू सुंदर गाया। एक मिनट में प्राण तजू जो ना अरमानी पूरे हुए उनके होते जन्म मरण की बाजी ला दी। राजा कह लगा, चिंता ना करे, मैं उस ब्राह्मण को ही भी बुलवा रहा हूं। राजा ने इनकार भेजा, विपर को बुलवाया है, तुझा कंगन ला के दे सकता देश सुना। जब तो चार चार गड़ी क्रॉस कर दी, बाबा दिखा इसमें तो दूसरी तलिकड़, दूसरी में दिखा तो तीसरी तलिकड़, तीसरी में दिखा तो चौथी तलिकड़, फिर तड़े को नाड़ नीचे करके कंगन ले गया। जा राजा को दिया, रानी ने पहरा उल्टा सांग भरे गया। इब राजा ने आदेश सुना दिया, जाके कंगन ले दे, जो नहीं लाया तो जन बच्चा कोल्लू में पिड़वा दूंगा। अब घबरा के गंगा पे पहुंच गया और वहां के कहने लगा, बता पर घबरा गया गंगा पे
जादो कंगन तो गंगा माई है, साहब जी ने भेजा है कंगन तो गंगा माई है। हे मैया, मुझे रविदास महाराज ने भेजा और गंगा को तो पता था, लोभी और लालची के जग में, लोभी और लालची के जग में साधो बेड़े गरक हुए उनके खुदे जितना खुदे शासन जी। गंगा जी ने विप्र की कोई अरदास नहीं सुनी, जन बच्चा कोल्लू में पिड़ जागा, भय हो गया, घबरा गया विप्र और के कहने लगा, अरे भई निराशा, भई निराशा परम हत्या फेर पर को बुद्धि आई है, रविदास के चरण पकड़ लिए प्रगट गंगे माई, गुरु के चरण पकड़ लिए प्रगट गंगे माई, संसदा उपकार करे, संसदा उपकार करे, जिन्होंने संत के चरण लिए उनके खुदे उन्हें मिले, जिसने खुदे तो मिल रविदास चरण भक्ता चरण तक जाती है, आपके बाबा जी के चरण पकड़ लिए और के कहने लगे, बुला शरण लई सतगुर की सारा दुखड़ा रोया है, काटो क्रम बीज मेरा सतगुर जो मन नहीं बोया, काटो पाप कर्म मेरे दाता जो मैं नहीं बोया है। शरण ले ली, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाते, मेरे बच्चों को जीवन दान दे दो, नहीं तो राजा मुझे सूली चढ़ा देगा,
आके शरण लई साहब की सारा दुखड़ा रोया है, पाप कर्म मेरे काटो साहब जो मैंने ही बोया, पाप कर्म काटो माफ करो सतगुरु मेरे दाता, हारे कर पै पार हुए भला माफ करो सतगुरु मेरे दाता, कर पै पापी पार हुए उनके छोटे कितने होते हुए को मेरा विदास चरणारे उनके होते को माफ कर दिया और कहने लगे भाई ये कठौती है ना इसमें से निकाल ले, और वहां जब हाथ देते हैं तो वहां हजारों कंगन की जेल निकलती है, तो महाराज कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, कैसे बता दिया है कंगन दिखाए पर माप की आशाप की पापी का उधार किए
सिंह जी माफ कर दिया पंडित को और भोग की कड़ी सुनिए। राजा पर जा और विप्रो ने सबने गुरु को धाया है। संजय दास भजन सतगुर का सबर बना के संजय दास भजन सतगुर का सबर बना के तो घट काम बसे यूपी में दो घट काम बसे यूपी में सुदे न युग दे सदिए उनके खोदे उनके खोदे साहुए को मेरा निदास चल सागर के पार हुए उनके खोदे उनके खोदे संत श्रवणी रविदास जी महाराज को सात साहिब।